हेलो क्लास, वेलकम टू एसिंक केमिस्ट्री क्लासेस। आप लोग क्लास इलेवेंथ के रिडॉक्स चैप्टर को अभी देखोगे। रिडॉक्स चैप्टर में हम लोग कुछ बातें करेंगे, ठीक है। आज ये वन शॉट में रिडॉक्स हम लोग खत्म कर देंगे। तो रिडॉक्स में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को देखा जाता है। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण होता है। हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में ही बातचीत करते हैं। तो पहले हम लोग एक कॉम्परेटिव स्टडी देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। तो देखिए, इस साइड में ऑक्सीडेशन है और दूसरे साइड में क्या है, रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन में अगर हम लोग फर्स्ट बात कर दें, तो जैसा कि आप जानते हो पहले से ही कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन में देखो MgO2 के साथ रिएक्ट करके MgO बन गया, Mg में ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, तो इसको ऑक्सीडेशन कह देंगे। और यहाँ पे CuO है जो कि C के साथ रिएक्ट किया, और C का ऑक्सीजन देखो, अब Cu का ऑक्सीजन अब C के पास चला गया, तो Cu से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको, एक तरह का रिडक्शन है। सिमिलरली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे आप देख लो हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है, कहां से, H2S से, H2S से ये S बन जा रहा है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो हम बोल देंगे क्या कि ये एक तरह का ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, सल्फर का रिएक्शन अगर H2 के साथ करवा देते हैं तो H2S हो जा रहा है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि एक तरह का रिडक्शन है। वैसे आप यहाँ थर्ड पॉइंट पे देख रहे हैं कि थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, कभी भी अगर किसी रिएक्शन में कोई कंपाउंड जाता है और उसके ये चार्ज के ऊपर, मतलब आयन्स जो कैटायन्स हम लोग बोलते हैं, तब इसके पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाए, तो इंक्रीज करता है तो हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो प्लस थ्री से क्या हो गया, प्लस टू हो गया, तो प्लस थ्री से प्लस टू के लिए ये आपका रिडक्शन हो गया, और अपोजिट साइड में यहाँ पे क्या है, प्लस टू से प्लस थ्री के लिए इंक्रीमेंट है, तो ऑक्सीडेशन है। फोर्थ पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, ठीक है, अभी हम लोग इसको लेकर के बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ही होगा। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाए तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर जाए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये तरह का रिडक्शन है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फोर्थ पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखो SnCl2 है, SnCl2 में Sn का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू होता है, और SnCl4 बना है, SnCl4 में Sn का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर होता है, तो अब क्या देखना कि प्लस टू से प्लस फोर के लिए, मतलब कि इंक्रीज करके ऑक्सीडेशन नंबर। और अपोजिट साइड में आप देख रहे हो, इसके फोर्थ पॉइंट में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस में Mn जो होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, प्लस सेवन होता है, जबकि जो इसमें रिएक्शन के बाद जो आयन बना है वो क्या है, Mn+2 है, तो Mn+2 है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, प्लस टू है, ठीक है, तो प्लस टू है ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो प्लस सेवन से प्लस टू के लिए क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये क्या है, एक तरह का आपका रिडक्शन है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल रिडक्शन, ओके। देन फिफ्थ पॉइंट की तरफ हम लोग आ जाए, फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव होता है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन व्हाइल एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। कभी भी जब इलेक्ट्रॉन आपका ऐड होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम होने लगता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम हो जाता है, आपको यह ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है यहाँ पे कम हो जाता है, कम होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। देखिए थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमेशा हम लोग इसको रिडक्शन बोल देंगे, और यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज कर जाता है तो हम इसको ऑक्सीडेशन कह देते हैं। तो ये कॉम्परेटिव स्टडी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेकर के, और आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बोलते रहिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में हम हैं अभी लाइव यहाँ पे हैं, तो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम यहीं पे दे देंगे, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह का इमेजिनरी और अपेरेंट चार्ज होता है ना, इमेजिनरी और अपेरेंट चार्ज होता है, ये कोई भी एटम या एलिमेंट के ऊपर में तब आता है, ये किसी भी एलिमेंट या एटम के ऊपर में ये इमेजिनरी चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर तब आता है जब वो एटम अपने फ्री स्टेट से, ध्यान दीजिएगा, अपने फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाता है, मतलब कि एक एटम जो है
वो एक फ्री स्टेट में है, किसी के साथ अभी बॉन्डेड नहीं है या एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो वो एलिमेंट्री फॉर्म से कहाँ चला जा रहा है, कंबाइंड स्टेट में चला जा रहा है, मतलब कि वो किसी के साथ बॉन्ड बना करके कॉम्बिनेशन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में कोई भी जब एलिमेंट जाता है तो उसके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप हो जाते हैं। फ्री स्टेट में हमेशा क्या होता है, जीरो चार्ज होता है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में उसके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा, मे बी एक्स चार्ज डेवलप हो गया, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्स चार्ज डेवलप हो गया, तो इसी एक्स चार्ज को हम क्या कह देंगे कि भाई फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट गया तो उसके ऊपर एक्स चार्ज डेवलप कर गया, तो इस एक्स चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि इट इज एन इमेजिनरी और अपेरेंट चार्ज गेन्ड बाई एन एलिमेंट वेन इट गोज फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट इन अ मॉलिक्यूल। देखो एलिमेंटल फ्री स्टेट में है और वहां से वो कहां जा रहा है, अपने कंबाइंड स्टेट में चला जा रहा है एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए, तो उस टाइम पे जो भी चार्ज डेवलप होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, जैसे कि आपको हम बता दिए कि एक्स यहां पे जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्बिट्री सेट ऑफ रूल्स, ये भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं किसी भी तरह के ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। और इट इज अ रिलेटिव चार्ज इन अ पर्टिकुलर बॉन्डेड स्टेट, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि एक तरह का रिलेटिव चार्ज होता है, वो कैसे रिलेट करते हैं अभी हम लोग थोड़ी देर में ही डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाल सकते हैं, है ना, ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं, ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे डॉट्स दे रखा है, तो आपको क्या करना है, ये सारे डॉट्स को फॉलो करने हैं। पहला डॉट है जैसे कि यहाँ पे पहला बताया गया है फ्लोरीन एटम को लेकर के, फ्लोरीन क्या होता है, F, तो फ्लोरीन एटम को लेकर अगर बात किया गया तो F क्या होता है, ये फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का ये गेन करता है। तो इट हैज ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -1। देखो इसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्योंकि ये गेन करता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके एफ माइनस बन जाता है, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही करेगा। देखो यहाँ पर हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा, ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। तो फ्लोरीन के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज डेवलप होगा, कैसा चार्ज, -1 चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो फ्लोरीन ऑलवेज -1 आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना भाई, कि अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा, ठीक है। चलिए देन है ऑक्सीजन एटम, सेकंड ऑप्शन बोला गया है ऑक्सीजन एटम। तो देखो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन चार तरह के चार्ज आपको ऑक्सीजन पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये ब्रॉडली आपको चार तरह के चार्जेस देखने को मिलते हैं। पहला होता है ऑक्सीजन हमेशा -2 चार्ज अपने ऊपर रखता है, इसको हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ केसेस में या ऑलवेज बोल सकते हैं या जनरली बोल सकते हैं कि जनरली क्या होता है, -2 चार्ज अपने ऊपर रखना पसंद करता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे बोल दिया गया कि इन जनरल एज वेल एज इन इट्स ऑक्साइड्स ऑक्सीजन एटम हैव ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -2, तो जनरली ये क्या होता है, जनरली ये क्या होता है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर को अपने ऊपर कैरी करता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि मोस्ट ऑफ टाइम ये क्या करेगा, -2 ऑक्सीडेशन नंबर रखेगा, लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है कि +2 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब एक ही बार ऐसा होता है कि +2 ऑक्सीडेशन नंबर को कैरी करेगा, वो कहाँ होता है, OF2 कंपाउंड में। OF2 कंपाउंड में मतलब यहाँ पे देखो OF2 अगर ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्डेड है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, और कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन के साथ लेफ्ट साइड में, एक इलेक्ट्रॉन के साथ राइट साइड में, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो देखो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कभी भी ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो टुवर्ड फ्लोरीन ब्रेक करेगा ना, तो फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज लेगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लेगा। और इस साइड पर भी देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड अगर कभी ब्रेक करेगा तो ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक करके फ्लोरीन के पास चला जाएगा, तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, -1 चार्ज गेन करेगा, जबकि ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे भी +1 चार्ज को गेन करेगा। तो देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन दोनों ही बॉन्ड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों ही बॉन्ड में +1 चार्ज, मतलब ओवरऑल कितना चार्ज गेन कर रहा है, +2 चार्ज। तो OF2 कंपाउंड में हमेशा ऑक्सीजन क्या होता है, +2 चार्ज को गेन करता है, आपको ये बात अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर ये एक बार आपका -1 चार्ज अटेंड करता है, -1 चार्ज कहां पे अटेंड करता है, तो परऑक्साइड कंपाउंड्स में,
परोक्साइड कंपाउंड्स जहां भी होंगे या वहां पे ऑक्सीजन क्या होगा -1 चार्ज को गेन करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि परोक्साइड में ऑक्सीजन क्या होता है, हमेशा -1 चार्ज को गेन करता है। क्यों -1 चार्ज को गेन करता है, आप ध्यान दो। जैसे कि देखो हाइड्रोजन परोक्साइड यहां पे है, तो हाइड्रोजन परोक्साइड है, तो हाइड्रोजन परोक्साइड में क्या हो जाएगा कि ये इस बॉन्ड के लिए, इस बॉन्ड के लिए देखो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो इसके ऊपर +1 जबकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा -1 रहेगा। तो इधर के हाइड्रोजन के ऊपर +1 और इधर में ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा -1 रहेगा। लेकिन यहां पे आप देखो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है ही नहीं, तो यहां के इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो हम दोनों के ऊपर क्या चार्ज दे देंगे, 0 चार्ज दे देंगे। मतलब कि इस बॉन्ड के लिए, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, उसके लिए इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, 0 चार्ज है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर फाइनली कैसा चार्ज देखने को मिल रहा है, तो -1 चार्ज देखने को मिल रहा है। तो कभी भी परोक्साइड कंपाउंड बनेगा ना, तो परोक्साइड कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, हमेशा -1 रहेगा। परोक्साइड कंपाउंड्स क्या होता है आप ये भी जान जाओ, जहां कहीं भी आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड देख गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड देख गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड कहीं भी देख गया, तो हम बोल देंगे कि परोक्साइड है। जैसे देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बताया गया था Na2O2, तो Na2O2 यहाँ पे देखो Na2O2 का ये स्ट्रक्चर है। Na2O2 में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड के लिए दोनों के ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा, तो 0-0 चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +1 ये -1, ये +1 और ये -1, तो देखो -1 ओवरऑल चार्ज आ जा रहा है ऑक्सीजन के ऊपर में, ओके गुड। फिर होता है आपका थर्ड, फोर्थ हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीजन एक बार ऐसा टाइम होता है जब ये +1 चार्ज को गेन करता है, और +1 चार्ज को कहाँ गेन करता है, तो O2F2 कंपाउंड में गेन करता है ना, जब ये फ्लोरीन के साथ, अगर फ्लोरीन के साथ ये क्या कर दे, परोक्साइड लिंकेज कर दे। कैसे, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉन्ड अगर बना रहे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 और ये +1, और इस बॉन्ड के लिए, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन पे -1 और ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा +1। लेकिन इस बॉन्ड के लिए कोई चार्ज होगा क्या, नहीं, ये तो परोक्साइड बॉन्ड है, तो परोक्साइड बॉन्ड के लिए दोनों के ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा, 0। तो हम क्या बोलते, क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर में कैसा आ जा रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर में +1 चार्ज देखो दोनों जगह पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑक्सीजन के ऊपर में +1 चार्ज आता है कहां पे, O2F2 कंपाउंड में। ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज आता है कहां पे, O2F2 कंपाउंड में। और बाकी जनरली क्या होता है, -2 चार्ज होता है, और परोक्साइड्स में क्या होता है, -1 चार्ज होता है। और बाकी यहाँ पे देखो सुपरऑक्साइड और ओजोनाइड्स के बारे में बताया गया है, तो सुपरऑक्साइड्स में क्या होता है, -1/2 चार्ज होता है, और ओजोनाइड में क्या होता है, -1/3 चार्ज होता है। तो देखो ना, KO2 होता है, तो K के ऊपर में +1, तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और इसके ऊपर में क्या रहेगा, K के ऊपर में +1, तो इसके ऊपर में -1/3 रहेगा चार्ज, ठीक है। चलिए, तो ये होता है आपका पूरा ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालने का देख रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर में फ्लोरीन का तुम देखे, ऑक्सीजन का देखे, मेनली आपको क्या देखना है, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा कैसा कैसा चार्ज डेवलप हो सकता है। ऑक्सीजन के बाद अगर हम लोग बात कर दें कि यहाँ पे हम लोग को देखना है हाइड्रोजन के ऊपर में, ठीक है, तो हाइड्रोजन को लेकर के हम बात कर दें, तो हाइड्रोजन पे दो चार्ज डेवलप कर सकता है। हाइड्रोजन के ऊपर में हमेशा क्या डेवलप करेगा, +1, +1 इसका जनरल चार्ज होता है, ठीक है। तो जनरली इसके ऊपर क्या चार्ज डेवलप करेगा, +1, और -1 ये डेवलप कर जाएगा। -1 कहां पर डेवलप कर जाएगा, तो -1 ये मेटेलिक हाइड्राइड में डेवलप करता है, ठीक है। कभी भी अगर मेटेलिक हाइड्राइड कहीं पे है, तो ये क्या चार्ज डेवलप करेगा, मेटेलिक हाइड्राइड में अपने ऊपर -1 चार्ज डेवलप करता है। जैसे कि देखो यहाँ पे NaH है या KH है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, देखो ये एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर कैसा होता है, मेटल्स का कम होता है, फिर हाइड्रोजन का होता है, और हाइड्रोजन से ज्यादा नॉन मेटल्स का होता है, कि मतलब जितने भी मेटल्स हैं उन सारे मेटल्स से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड उस हाइड्रोजन की तरफ अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर कैरी करेगा, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो NaH देखो क्या हो जाएगा, NaH में Na+ और H क्या हो जाएगा, -1, KH में K मेटल है, तो इसके ऊपर +1, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, -1। तो देखो कभी भी मेटलिक हाइड्राइड्स में, मेटलिक हाइड्राइड्स में आपको हमेशा क्या करना है, हाइड्रोजन को कैसा चार्ज देना है, -1 चार्ज देना है, बाकी हर टाइम क्या क्या दो उसको, +1 चार्ज दो। तो हाइड्रोजन को लेकर के आप ये बात याद रखना। फिर बात अगला डॉट है हैलोजन्स को लेकर के, तो हैलोजन्स को लेकर के क्या होता है, दो चार्ज डेवलप होती है हैलोजन्स में। -1 तो इसका जनरल चार्ज होता है, क्योंकि इन लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो -1 इन लोगों का चार्ज है। ये लोग कभी कभी +1 चार्ज डेवलप करते हैं, मतलब +1 क्या, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, +1 नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज ये लोग डेवलप करेगा। तो -1 जो होता है ये इन लोगों का जनरल होता है, जनरल होता है, और ये लोग कभी कभी पॉजिटिव चार्ज भी अपने ऊपर डेवलप करता है।
अब पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप करेगा, जब ये लोग किसी हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको KCl3 दिख रहा है, तो KCl3 में आपका ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है किससे, Cl से। KCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो ऐसा होता है KCl3 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये KCl3 है। अब यहाँ पे आप देखो तो इस बॉन्ड के लिए, इस बॉन्ड के लिए अगर आप क्लोरीन का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आए, तो इस बॉन्ड के लिए हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है ये क्लोरीन के साथ में अटैच है, राइट। ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ में अटैच है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो फॉर दिस बॉन्ड ऑक्सीजन -1 और क्लोरीन क्या हो जाएगा +1। तो देखो हैलोजन है लेकिन पॉजिटिव चार्ज लेने लगा। इधर देखो दो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, तो दो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर इस ऑक्सीजन को मिल जा रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है तो -2, तो इस बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा ये +2 हो जाएगा। और सिमिलरली देखो इधर भी क्या हो जा रहा है, इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन दे दिया जा रहा है, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। और इस बॉन्ड के लिए अगर हम लोग निकाल दें तो इस ऑक्सीजन का -1 रहेगा और इसका +1 रहेगा। तो फ्लोरीन का ओवरऑल देखो तो कितना आ गया, फ्लोरीन पे चार्ज +5 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप HIO3, HClO4, KBrO3 सबका निकाल करके देखो तो आपको दिख जाएगा कि KClO3 में क्लोरीन के ऊपर +5, HIO3 में आयोडीन के ऊपर +5, HClO4 में क्लोरीन के ऊपर +7 और KBrO3 में Br के ऊपर +5 चार्ज डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो देखो हैलोजन्स हैं लेकिन पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर हैलोजन्स अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में अटैच हो जाएगा तो हैलोजन जो होते हैं ये अपने ऊपर कैसा चार्ज शो करने लगते हैं, पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, फिर हम लोग ये थोड़ा ध्यान रखना है कि मेटल्स का कैसा होता है, तो मेटल्स के बारे में आकर के देखिए। मेटल्स में होता है, मेटल्स में आपको अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, तो अल्कली मेटल्स ऑलवेज क्या होता है +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमेशा क्या होता है +2 होता है। अल्कली मेटल कौन सा है, तो वो आपका हेलिना पर से फरियाद पहला ग्रुप, और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी दूसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप के लिए हमेशा +1 और दूसरे ग्रुप के लिए हमेशा क्या होता है +2 चार्ज होता है, ये ऑलवेज होता है, ठीक है, ऑलवेज होता है, इसमें आपको कोई ये नहीं करना है। कुछ एक मेटल्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव चार्ज को शो करते हैं या फिर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इनका 0 होता है, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग बात कर लेंगे। एल्यूमिनियम का आपको ध्यान में रखना है कि एल्यूमिनियम हमेशा क्या शो करता है, ऑलवेज +3 चार्ज को शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे इस ये तो आपका मेटल्स का बात हो गया, तो मेटल्स में आपको हमेशा ध्यान में रखना है, मेटल्स में मेनली देखो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला और दूसरा ए और बी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉट में कि कोई भी अगर ऐसा एलिमेंट है जो अपने फ्री स्टेट में है या इलेक्ट्रोट्रॉपिक फॉर्म में है तो उसके ऊपर हमेशा चार्ज क्या होगा, 0 चार्ज होगा। कोई भी एलिमेंट जो अपने फ्री स्टेट में है या इलेक्ट्रोट्रॉपिक फॉर्म में है तो उसके ऊपर हमेशा क्या चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे O2 है, S8 है, P4 है, O3 है, तो ये सब क्या है अपना फ्री स्टेट या इलेक्ट्रोट्रॉपिक फॉर्म में लोग हैं, तो इन लोगों के ऊपर हमेशा चार्ज क्या होता है, 0 चार्ज डेवलप होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल है, तो एक अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका जो ओवरऑल चार्ज होता है वो चार्ज क्या होगा, 0 होगा, है ना। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ओवरऑल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे HNO3 है, तो HNO3 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर तीनों का चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ओवरऑल क्या देखेंगे, 0 होगा, ठीक है। ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। लेकिन अगर नेक्स्ट डॉट की तरफ हम चले तो हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ द चार्जेस ऑन द ऑल एलिमेंट्स इन आयंस इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस, ठीक है, इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि NO3- है, तो NO3- में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो ओवरऑल चार्ज निकल के आएगा वो चार्ज कितना निकल के आएगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस, मतलब कि एक आयन है, एक नेगेटिव चार्ज है तो -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि SO4 2- है तो ओवरऑल चार्ज जो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे सल्फर और ऑक्सीजन का लेकर के, तो वो ओवरऑल कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग अभी वो सब कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैलकुलेट करेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले सारे रूल्स एक बार देख लें, है ना। इसके बाद नेक्स्ट डॉट है, इसमें बोला गया है कि इफ द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज एन, ग्रुप नंबर क्या है, एन है ग्रुप नंबर, देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर मे वेरी फ्रॉम N to N-8, ठीक है। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अगर पहले सुन लो क्या है, बताया गया है कि कोई भी अगर एक ग्रुप एलिमेंट जिस ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वैरी कर सकता है उस ग्रुप के नंबर से, मतलब ग्रुप नंबर अगर एन है तो एन से लेकर के N-8 तक में वैरी कर सकता है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि सपोज नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम बिलोंग्स करता है फिफ्थ ग्रुप से,
ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 5, ओके तो बोला गया कि n से n माइनस 8 तक में वैरी कर सकता है, तो n माइनस 8 मतलब कि 5 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा माइनस 3, तो देखो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 3 से 5 के बीच में ही कहीं पे वैरी करेगा, ठीक है, तो माइनस 3 से 5 के बीच में वैरी करेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने हर एक का एग्जांपल दे दिया है, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में एन के ऊपर क्या चार्ज है माइनस 3, एनओ है तो एनओ में एन के ऊपर क्या चार्ज है प्लस 2, देखो एन टू ओ 3 है प्लस 3 चार्ज है, एनओ 2 है प्लस 4 चार्ज है, एन टू ओ 5 है तो प्लस 5 चार्ज है, देखो माइनस 3 से प्लस 5 के बीच में वैरी करता है, माइनस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी n और n माइनस 8 के बीच में ही किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वैरी कर सकता है, n क्या होता है नंबर ऑफ ग्रुप है ना ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए तो ये हो गया मेरा कुछ एक रूल्स जिसके यूज से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स को देखते हैं। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे बोला गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कीजिए Na2H2O3 का, तो चलिए भाई मेरा कंपाउंड क्या है Na2H2O3 में बोला गया है कि अंडरलाइन जो है अंडरलाइन एलिमेंट कौन है सल्फर, तो सल्फर को बोला है कि आप बताइए, तो चलिए ठीक है हम लोग सल्फर को बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या होता है जनरली माइनस 2, अभी हम लोग बात किए थे थोड़ी देर पहले, तो ऑक्सीजन क्या होता है माइनस 2, और नाइट्रोजन एल्कली मेटल्स है तो एल्कली मेटल्स क्या होते हैं प्लस 1 है ना, और ये न्यूट्रल है, देखो ये Na2H2O3 क्या है न्यूट्रल है, तो इसका जो ओवरऑल चार्ज होगा वो इक्वल होगा किसके जीरो के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो कितना नेगेटिव चार्ज हो गया, तो 3 ऑक्सीजन है और 2 नेगेटिव चार्ज हर ऑक्सीजन पे है, तो माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये अल्कली मेटल है Na, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और 2 Na है, तो 2 Na है तो कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया प्लस 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना चार्ज हम लिख दें कि ये जीरो हो जाए, तो यहाँ पे कितना चार्ज हमको लिखना होगा, यहाँ पे हमको लिखना होगा प्लस 4, प्लस 4 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा देखो प्लस 6 ये और ये माइनस 6, तो प्लस 6 माइनस 6 जीरो हो गया। अब अगर हम प्लस 4 लिख देंगे तो सल्फर कितना है 2 सल्फर है, तो एक सल्फर पे कितना चार्ज जनरेट होगा प्लस 2, तो देखो सल्फर का निकल गया ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया प्लस 2 आ गया, ठीक है। तो अगर प्लस 2 करके देख लो तो पूरा ओवरऑल क्या हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है, तो ऐसे ही करके निकालना होता है। एक और अगर हम कर देते हैं आपके लिए, देखो यहाँ पे जैसे HNO3 हम लोग अभी पीछे बात किए थे HNO3 को लेकर के, तो यहाँ पे आप देखो कि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा तो माइनस 2, तो माइनस 2 डेवलप हो जाएगा तो टोटल कितना हो गया माइनस 6 हो गया। इसमें नाइट्रोजन का हम लोग निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर हम लोग बात किए जनरल इसका क्या होता है प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे प्लस 1 हो गया। अब देखो तो यहाँ पे कितना चार्ज दे दे कि ये ओवरऑल जीरो हो जाए, तो प्लस 5 चार्ज हमको दे देना होगा, तो देखो ये प्लस 6 और ये माइनस 6 जीरो हो गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज रहा प्लस 5 चार्ज रहा, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग एक और कंपाउंड का बात कर दें, लाइक मान लो कि हम लोग के पास KMnO4 है, ठीक है, तो KMnO4 है तो ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग क्या चार्ज दे देंगे माइनस 2, तो कितना माइनस हो गया माइनस 8 हो गया, और K क्या है मेरा अल्कली मेटल है, तो अल्कली मेटल है तो प्लस 1 दे दिए, तो यहाँ देखो प्लस 1 आ गया। अब Mn के पास हम कौन सा चार्ज लिख दें कि ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो Mn के पास हमको क्या लिखना होगा प्लस 7 लिखना होगा, तो देखो ये प्लस 8 और ये माइनस 8, ठीक है, तो Mn के ऊपर कैसा चार्ज आ गया प्लस 7 चार्ज आ गया, है ना। तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, जो पीछे के रूल्स हैं आप उसको एक दो बार देखिए, उस रूल को आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, 2-4-5 प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स दे रखे हैं, आप यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स को प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके बताना आप लोगों का। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8 है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है ये फटाफट सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके हमको कमेंट बॉक्स में बता दो, कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या आया भाई, है ना, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया 1 2 3 4 5 6 करके कर देना, ऐसे लिख देना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या आपका निकल के आ रहा है। यहाँ पे क्लोरीन निकालना है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ सी का निकालना है, यहाँ सी आर का निकालना है, यहाँ एम एन का निकालना है, यहाँ सी आर का निकालना है, यहाँ H2SO5 का निकालना है। यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है CrO5, ये पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग फटाफट हमको निकाल करके बताइए क्या आया आपका चार्ज, ओके।